अगर एक हिंदू आर्मी लाहौर पे कब्जा कर लेती है तो आप में से कितने लोग अमेरिका छोड़कर जाके लड़ेंगे लाहौर देखें? 1991 से सफर शुरू हुआ है नरसिम्हा राव से और मनमोहन सिंह से आज वो कहा है आप दरबर धक्के खाते फिर रहे हैं दर आप कोई ऐसा मुलक बता दें जहां से आपने उधार ना मांगा आपकी क्या इंडिया से, सर, इंडिया से नहीं मांगा इंडिया से देना जो उन्होंने नहीं था। गालियां जो आगे से पड़ती हैं तो सर ट्राई तो करना चाहिए था क्या बात है मोदी जी दे ही देते तो आपने ये छोटा सा क्लिप देखा आप देख सकते हैं पाकिस्तानी मूल के ही बुद्धिजीवी किस तरीके की बातें कर रहे हैं यार मतलब कि इंडियन आर्मी का एक जूता ही काफी है इस तरीके की बात कर रहे हैं और अब ये लोग मतलब लॉजिकली बोल रहे हैं कि यार तुम कब तक ऐसी बात करोगी कि एक मुस्लिम दस काफिरों पर भारी भारी और दस काफिरों से वो भूखे पेट मुकाबला कर सकता है तो पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं अब इस वीडियो में अनऑफिशियल तौर तो पर पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो डिफॉल्ट हो चुका है पहले वीडियो देखते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट मैच जाएगा जब नाइन्टी किलो का बंदा मारेगा ना उस तो यही होता है मुसलमानों के साथ बकवा बातें 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 बाते इतनी ज़्यादा सो सॉलिडरिटी इस्लाम के लिए करते तो कुछ नहीं है दे डोंट पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज एंड दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑन दिस इशू हैज नॉट बीन वेरी गुड मतलब पाकिस्तान रेट्रिक तो बहुत करता है लेकिन आपको देखा इमरान खान की कितनी मजाक उड़ा दिए थे उइगर्स के बारे में जब वीडियोस निकली थी देखिए आपने इंटरव्यूज इमरान खान से पूछा तुम कश्मीर के भी अगर एक हिंदू आर्मी लाहौर पे कब्जा कर लेती है तो आप में से कितने लोग अमेरिका छोड़कर जाके लड़ेंगे लाहौर के फॉरेन पॉलिसी जो है आपकी कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन uh, जो है ना uh, और द तो गैप बढ़ते जा रहा है मैं अभी देख रहा था अभी आपने भी शेयर इसपे शो किया कि जापान के को ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने राइट right? लेकिन आपने पाकिस्तान का डेटा देखा इंडिया इज मेकिंग टेन टाइम्स मोर कार्स देन पाकिस्तान तो सो हाउ कैन यू कंपीट एंड डिफीट सच अ जायंट नेक्स्ट टू यू अगर उसमें जाएंगे तो आप कर्ज में डूबते मरेंगे लिटरली आई एम ट्राइंग टू से दैट

क्योंकि okay, आपको तो नरसिमा राव से और मनमोहन सिंह से से। आज वो कहा है आप दर बतर खाते फिर रहे हैं दर बर आप कोई ऐसा मुलक बता दें जहां से आपने उधार ना मांगा आपकी क्या इंडिया, से, सर, इंडिया से नहीं मांगा इंडिया से देना जो उन्होंने नहीं गालियां जो आगे से पड़ती हैं तो ट्राई तो करना चाहिए था क्या पता मोदी जी दे ही देते क्या पता दे, दे, दे वैसे मेरी तो मेरा तो मेरा उनको मशवरा है कि इनसे कुछ शर्तें बर्तें तय करके इनको कर्जा दे दें उसकी वजह के साथ कभी कैलकुलेट कीजिएगा कि कितने लोग थे मुगल कितने आए थे ये जो हमारे पठान भाई हैं कितने आए थे जो पूरे इंडिया को टेक ओवर कर गए थे गिनती के थे उसके बाद ब्रिटिश कितने थे नंबर्स में और हमारे पूरे यूनाइटेड इंडिया को रूल किया सोचने है बात, सोचने वाली बात तो अंग्रेजों के, अंग्रेजों के प्रैक्टिकली पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर चुका है प्रैक्टिकली अगर हम कहें एक तो होता है ना तकनीकी टेक्निकल डिफॉल्ट या एक ऐसा डिफॉल्ट जिसको आप डिक्लेयर कर इंडियन आर्मी और सऊदी uh, आर्मी की कॉन्ट्रीब्यूशन एक अच्छा ताल्लुक चल पड़ा है इंडिया और सऊदी अरब जो है वो एक डिफरेंट लेंस में काम कर रहे हैं पाकिस्तान हिस्टोरिकली हैज यूज्ड द मुस्लिम वर्ल्ड एंड सऊदी अरेबिया के वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें एंड नाउ वी हैव रीच टू द पॉइंट वेर इंडिया इज़ डूइंग ट्रेड एंड ऑल दैट बल्कि आज मैं देख रहा था शायद कि हंड्रेड बिलियन डॉलर की तो रेमिटेंस uh, इंडिया में आ रही है उसमें से लार्ज सेवेंटी परसेंट जो है That is coming from the Middle Eastern countries. So, uh, and where does Pakistan stand in all this? ke uh, jo financial need uh, के लिए जा रहा है या ये दस अरब डॉलर ले रहा है पांच अरब डॉलर वो और fixed deposit करा रहे हैं। So, Pakistan has lost the case with the Muslim world historically. जो हमने प्रेशर डाला हुआ था उनके ऊपर इंडिया कश्मीर का। देखिए, ये जो मुस्लिम solidarity है ये शुरू से शैलो रही है पाकिस्तान ने कितनी जंग लड़े यरूशलेम के लिए जीरो बिल्कुल जीरो हमने कोई दहशत की जंग लड़ी है कि हम लड़ी। के सारे कौन सी लड़ी है पैसे पकड़े है हमने सीधे सीधे पैसे बिल्कुल हर चीज हमारे अब किसी चीज को अपनी पॉलिसी को देख ले आपकी सारी पॉलिसी डॉलर बेस जहां से आपको कुछ ना मिलता हो आप उस साइड में जाते ही बिल्कुल और ये आज की पॉलिसी नहीं है आपकी 1947 से ये पॉलिसी 1947 मैं इसकी आईएमएफ की अभी रिसेंट हिस्ट्री पढ़ रहा था 1950 में आपने ज्वाइन किया आई एम एफ बाईसवा प्रोग्राम है तो पहला जो पैसा आता रहा आईएमएफ आई एम एफ वो कहां जाता रहा खान साहब ने कर्जो इन्होंने एक सौ अरब रुपया कर्जा लिया वो किधर गया एक सिंगल इंट नहीं इन्होंने लगाई कोई पूछे इनसे कौन पूछेगा अब जो नया पैसा आ रहा है यहां से वो एक पाकिस्तानी यूनस खान उसने शबाज शरीफ साहब से क्वेश्चन किया वहां पे जी इसका ये पैसा कैसा लगाया पर शरीफ साहब ने कह दिया आगे से जी इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए वो कौन सी थर्ड पार्टी है वो आप ही पार्टी होगी कोई आप ही का कोई वजीर एक बैठ के एक मोर लगा देगा जी पैसा हमने भेजा तो हमने तो भाई सिंध भेजा था लंदन चला गया हमारा क्या कसूर है वो इस तरह का तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था पाकिस्तानी मीडिया के एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे पाकिस्तानी मूल के जो फॉरेन में बुद्धिजीवी हैं वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व के नाम पर अभी कुछ भी नहीं है यार पाकिस्तान में क्रिकेट इतना फेमस है अगर आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के ओडीआई मैचेस देखेंगे ना यार पच्चीस पच्चीस हज़ार की कैपेसिटी वाले ग्राउंड नहीं भर रहे हैं मतलब मैं सोचता हूँ यार एक तो यहाँ पे क्रिकेट होती नहीं है इतने सालों में कोई टीम आ रही ओडीआई मैचेस खेल रही तो ग्राउंड नहीं भर रहे एक अजीब तरीके का माहौल है टेस्ट मैचेस में तो भर नहीं रहे थे ओडीआई मैचेस भी नहीं भर रहे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो यार की क्या हालत है इंडिया में अगर जिम्बाबे इंडिया का भी ओडियाई मैचेस हो जाए ना तो मैदान भर जाते हैं लोगों के पास ऐसा नहीं कि लोग फ्री बैठे हैं लोगों के पास पैसा है तो वो जाते हैं यार चलो इंडिया के किसी भी प्लेयर को देखने जा रहे हैं इंजॉय करो तो इससे एक अंदाज़ा लग जाता है किसी कंट्री की लोगों की हालात का कैसे वो जी रहे हैं अभी हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं सामने आ रही कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आटे के लिए मर रहे हैं आटे के लिए जान दे रहे हैं मतलब यार आटे के लिए जान देना एक अजीब सी अजीब सी बात है आटे के लिए खरीद आटे की खरीदी के दौरान मतलब वो बाजार में खरीद रहे हैं आटे और लड़ लड़ रहे हैं मर रहे हैं तो आप समझ जाओ अब पाकिस्तान को भारत से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि भारत को लेकर आपका एक स्टैंड है कश्मीर में टेररिज्म फैलाना भारत के मुसलमानों को भड़काना और भारत के मुसलमानों के की चिंता पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा करना तो फिर काय के लिए तुम भारत से उम्मीद रख रहे हो कि भारत तुम्हें क्या अनाज दे गेहूँ दे पैसा दे इस तरीके की उम्मीद मत रखो आपको क्या कहना दोस्तों इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया मैं मिलता हूँ और भी इसी तरीके की नए वीडियो के